सलाम अलैकुम खुर्शीद भाई, खैरियत से हो? वालेकुम अस्सलाम सेठ साहब, क्या करवा दिया आपने यार? यार ये तो मतलब आपने तो हड्डी कर दिए, मतलब क्या चाह रहे हैं आप यार ये दिन भी देखना था जिंदगी में। भाई? वो साबिक कप्तान हमारे कहा करते थे जब वजीर आजम नहीं थे, वो जिनको हम कासिम के अब्बा कहते हैं, कि जब अंडर 19 टीम हारी थी अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान से, तो उस वक्त उन्होंने एक जो है वो जलसे में कहा था कि आप अफगानिस्तान की टीम से हार गए, इन्होंने तो क्रिकेट हमारे कैंपों में आके सीखी है। तो यार आप मुझे देखेंगे कि जो लोग कैंपों से सीख के गए थे वो आज ये हाल कर रहे हैं पाकिस्तान टीम का, कि किसी शोबे में उन्होंने ये नहीं देखा कि हर तरफ उन्होंने फ्लैट किया है पाकिस्तान को, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो। फील्डिंग तो खैर अपनी खुद की इनकी गलतियां थी बहुत सारी, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग देखिए बिल्कुल उन्होंने आराम से, कोई जल्दी नहीं की उन्होंने, कुछ नहीं किया उन्होंने, इतने तहमुल के साथ उन्होंने खेला है, एक प्लानिंग के साथ बॉलिंग की है। खासकर मैं जोनाथन ट्रॉट को बहुत ज्यादा इसमें जो है वो इसका सेहरा दूंगा इस चीज का कि उसने इस टीम को खड़ा करने में बहुत किरदार अदा किया है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ भी जो उन्होंने परफॉर्मेंस भाई, चार पांच छह विकेटों से हारते और तीन विकेटों से हारते, दो विकेटों से हारते, क्लोज होता तो आप कुछ जेब भी मिटाते, यार तो 8 विकेटों से हारे हैं। देखिए शेर भाई, जब आप जो है ना अपनी गलतियों से सीखते नहीं है ना, और आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, ये 2-4 बरस की बात नहीं, ये निस्फ सदी का किस्सा है, सही है ना? आप इतने इवेंट से जितने भी मैचेस खेलते हैं अफगानिस्तान के साथ आ रहे हैं, आप हमेशा क्लोज मार्जिन में जीते हैं। कभी आपको नसीम शाह 2 छक्के लगा जिता देता है, कभी इमाद वसीम आपको जो है वो 47 रन बना के जो है वो इंग्लैंड के अंदर वर्ल्ड कप में जिता देता है, मैच वो भी कांटेदार मुकाबला हुआ था। और उसके बाद आप जो है वो शारजा में खेले, अपनी बीटी लेके गए थे, 5 विकेट नहीं थे आपके, ठीक है, अच्छा तजर्बा किया आपने, अच्छी चीज थी है वो, लेकिन जो उनमें जो लड़के उनमें अच्छा खेल रहे थे उन्होंने आपने उनको दोबारा मौका ही नहीं दिया। मतलब आप देखें साय मयूब जैसा ओपनिंग बैट्समैन, मतलब आप मतलब बहुत कम होते हैं ऐसे जाहिर मजार बैट्समैन, आपने उसको कंसिडर ही नहीं किया। उसके बाद आप उसको व्हाइट बॉक्स लेके नहीं आए, अभी उसने डबल सेंचुरी बनाई कार्डिनल ट्रॉफी के अंदर, इसमें से रेड बॉक्स रिलीज खेल रहा है। और दूसरी चीज ये बात आपके सामने नजर आ रही है साहब साहब कि ये हारिस रऊफ हो गए, ये शादाब खान हो गए, भाई ये T20 क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ये वनडे क्रिकेट में तहमुल मिजाजी के साथ क्रिकेट खेली जाती है। जो टेस्ट क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट खेलता है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, उसमें एक टेम्परमेंट आता है, उसे बॉल करने का फन आता है। ये तो माइंड मुझे बताएं कि माइंड गेम्स आते हैं भाई। और देखे ये किस मतलब समझ नहीं आ रहा, और मुझे समझ नहीं आ रहा कोचिंग स्टाफ कर क्या है ये आखिर, मतलब इतनी हैवी मैसेज जमा कर रहा है भाई। मैं बताता हूँ, कोचिंग स्टाफ वही कर रहा है जो आपकी क्रिकेट टीम कर रही है, पैसे बना रही है अपनी, मतलब यार है। आपने मुझे आपने मजाक बना कर समझ नहीं आया। अरे यार बाबर आजम साहब को क्या अभी भी टॉस का मतलब नहीं मालूम कि टॉस का एडवांटेज क्या होता है या पिच रीड कैसे करते हैं? नहीं, देखे सिर्फ देखे अगर पूरे मैच का एनालिसिस किया जाए ना, तो जिस तरह की दब के डर के बैटिंग की है बाबर आजम ने, अगर से पहली आखिरी 10 ओवर के अंदर इफ्तिखार और शादाब ने 40-40 रन की इनिंग खेलकर स्कोर को 280 रन तक पहुंचा दिया था, लेकिन आप शुरू में जिस तरह दबाव से खेल रहे थे ना, वो आप पूरा मैसेज जो है वो पूरे खिलाड़ियों पर डिलीवर करते हैं वो, और 280 रन बनाने के बाद भी आप समझ रहे थे कि 280 रन तो बना ही नहीं सकते ये लोग, हमारे साथ वाले ये तो चेज ही नहीं कर सकते। भाई आपकी कप्तानी कहीं नजर नहीं आई है, आपकी कप्तानी आपको पता है आपके शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रगल कर रहा है, आपको पता है आपका शादाब खान स्ट्रगल कर रहा है, अगर उस दौरान कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो उसके साथ किसी दूसरे बॉलर को फास्ट बॉलर को क्यों लगाया? 36वें ओवर में जब बॉल रिवर्स होना शुरू हो गया हसन अली का, तो आपने दूसरे एंड से हारिस रऊफ को क्यों नहीं लगाया? आप शादाब तेवल क्यों कराते रहे? आपको पता था बॉल रिवर्स हो रहा है, वो 150 का बॉलर है आपका हारिस रऊफ, भाई वो कुछ ना कुछ डन डाल सकता है वो, जब एक तरफ प्रेशर हसन अली डाल रहा है, हसन अली बॉलिंग अच्छी कर रहा है, सबसे अच्छी बॉलिंग हसन अली ने की है, आपको कुछ है नहीं। और दूसरा अगर आप 21 ओवर तक जाके अभी भी अगर किसी के पास मैच कैप्चर हुआ आप देख लेंगे जाके, 21 ओवर में कमेंटेटर बोल रहा था कि कप्तानी कर को कौन लगाएंगे, मतलब जब ड्रिंक ब्रेक के अंदर खिलाड़ी इकट्ठे हुए तो मामूल सबको बता रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना, और बाबर आजम बावलों की तरह खड़े हुए थे। तो आप मतलब इटमीन्स की जो खबरें चल रही है कि टीम में ग्रुपिंग है, ये बात सही है या नहीं? के बाबर आजम को पता लग गया है कि अब उनका फ्यूचर नहीं है ऐसे कप्तान,
ये बात तो ठीक है, जो हमेशा ही होता है वर्ल्ड कप में कि एक इवेंचुअली एंड में एक बकरी बनता है और सैक्रिफिशियल लैम जिसे हम कहते हैं उसे बना के बाहर कर देते हैं। लेकिन ये तो हमेशा से चलता आ रहा है, 20-25 साल से चलती आ रही है ये चीज। अफगानिस्तान तो हमारे ख्वाबो ख्याल नहीं था कि हम उनसे हारेंगे, और आज जिस तरह बाबर आजम फील्ड में थे कि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको आउट भी करना है किसी को, मतलब अफगानिस्तानी या अफगानी जो थे वो लग रहा था जो पाकिस्तान से उनको वापस भेजा जा रहा है उस क्या कहते हैं उस हुकूमती अहकाम का बदला ले रहे थे आपसे पीट पीट के आपको। उन्होंने कह दिया है, उन्होंने कह दिया मैन ऑफ द मैच जो है खिलाड़ी उसने कह दिया है, उसने कहा मैं उनके नाम करता हूँ जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं अपन, उनके नाम करता हूँ ये मैच, ये तो कह दिया उन्होंने, ये चल रहा है हेडलाइंस के अंदर, हेडलाइंस में देखिए। बिल्कुल, तो अब मुझे बताएं कि मतलब एक तो अब इंडिया में इंडिया से हार गए, ठीक है, उसके बाद इंडिया में अफगानिस्तान से हार गए, मतलब अगर आप राशिद खान की खुशी देखते जिस तरह इरफान खान ने जो भारतीय फास्ट बॉलर साबित रहा है उससे गले मिला और जिस तरह वो नाचे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मतलब वो तो आपसे पुराने सारे सियासी बदल ले रहे हैं एक किस्म के, मतलब आपने तो मट्टी पलीट करवा दी है यार। यार कुछ 500 साल पहले अफगानिस्तान की तरफ से बाबर इंडिया आए थे, हमला करके उन्होंने कब्जा कर लिया था, लोधी को मारा मुराद और मुगल बादशाह शुरू हुई थी। मुझे लग रहा है 500 साल बाद इंडिया में अफगानिस्तान और इंडिया मिल के आप बाबर को ही मार रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल बात तो आपने जराह मजाक की है लेकिन बहरहाल बतौर मद्दाह और बतौर क्रिकेट फैन जो है ये दिल को छुपती है बात, और पता नहीं अगले 4 मैचों में क्या होगा, लेकिन बहरहाल जो उम्मीदें पाकिस्तान टीम से थी और जो डर और खौफ था जो हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे और जिस पर लोग कहते थे कि यार किंग बाबर के खिलाफ ऐसी बात मत करो, मोहम्मद रिजवान के खिलाफ ऐसी बात मत करो, या शाहिन शाफरीदी के बारे में ऐसा मत बोलो, ये नहीं करो, तो ये मुझे लगता है ये भी जो है ना सिर्फ जो है सोशल मीडिया और एड्स तक ही महदूद रह गए हैं, हमें सबसे ज्यादा वही नजर आते हैं, ना पिच पे ठहर सकते हैं ना इनकी बॉल स्विंग हो सकती है। अब इकट्ठा है मेरा ख्याल है ये जरूरी था इस टीम के साथ होना, इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर इनके दिमाग में तो इनके चढ़ चुका है बिल्कुल, मतलब देर ऑल लेजेंड्स इन देयर ओन माइंड्स, अगर ये नहीं होता और हमको इनको शीशा नहीं दिखाया जाता तो कल को हमारे और आपके घरों में बच्चों से ये कहा जाता बेटा शाहीन से आफरीदी को कुछ मत कहो गुनाह मिलेगा, बाबर आजम को क्या कह रहे हो, बाबर आजम को कह रहे हो, ये जरूरी था इनको एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए था कि नंबर वन कह के आपको सर पे चढ़ाया गया है, यार आपकी तो 10 नंबर की बॉलिंग थी यार। देखिए अब आप जो है वो कुछ नहीं कर सकते, आपको इसी टीम के साथ खेलना पड़ेगा। अब आप अगर किसी जो बेंच पे बैठे हुए खिलाड़ी हैं, मिसाल के तौर पर जो ट्रेवल रिजर्व हैं, अगर अपने खिलाड़ियों को आप इंजर्ड करके ले भी आते हैं तो मेरे तो जाती राय तो ये है कि आप उनका करियर भी तबाह कर देंगे, वो भी थोड़ा बहुत स्कोर नहीं कर पाए, आउट नहीं कर पाए तो कहेंगे जनाब देखो ये टीम ऐसी थी ये भी ऐसी है। तो मेरे ख्याल में तो जो टीम है जो 15 की खिलाड़ी हैं इन्हीं के साथ खेलना चाहिए, इन्हीं को आजमाना चाहिए। अब वो स्मार्टन तो जाहिर बात है जब ये वापस आएंगे वतन जब भी होगा, लेकिन मेरी तो पेशगोई ये है सिबली साहब, मैं पहले भी कह चुका था लोग मानते नहीं थे, लेकिन ये टीम जो है टॉप 4 में नहीं जाएगी, ये टीम इस परफॉर्मेंस के साथ अगर जाएगी तो ये वर्ल्ड कप से पहले मैंने एक स्टेटस रखा था और आपने मुझे फोन करके पूछा था इसका क्या मतलब है। मैंने लिखा था कि बाबर अपनी ऑडी बचाओ। हाँ तो ये क्या मतलब हुआ, मैं तो बस बाबर को अब ओडी को कहीं हम हमारे पाकिस्तानी भाई उड़ी उड़ी ना बना दें बस साहब यही है, और इस पे मजीद तो कोई बात करना जो है वो इतना मतलब दिल बोझल हो रहा है इस चीज से, एक तो पूरे दिन आप बैठ के मैच खत्म हो गया यार, दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा देखने का या बात करने का या इन लोगों की शक्लें देखने का, लेकिन कोई फर्क नहीं है, ये फिर ऐसे ही आएंगे अगले 5 साल बाद भी यही लोग खेल रहे होंगे,
यही टीम होगी और हम आप ऐसी बैट इनको कर रहे होंगे क्योंकि इन लोग में बेसिक ट्रेनिंग इनकी क्रिकेट की नहीं होती है, बेसिक ट्रेनिंग होती है इनकी बेशर्मी की और उसमें ये वाकई नंबर वन है। तो अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता, तो हुकूमत क्या करवट लेती है, इंतखाबात होते हैं, पता लगता है चेयरमैन चेंज हो गया, पता लगा कोचिंग स्टाफ तब्दील हो गया, अभी ये तो कुछ नहीं कह सकते आगे के मुस्तकबिल का क्या है क्या नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अगर आप अभी भी नहीं संभले तो आपका हाल हॉकी से भी बदतर हो जाएगा और तो यही है। वो फुटबॉल के बारे में कंचों पे बातें कर रहे होंगे, फुटबॉल के बारे में कहा जाता है कि जो शुमाली अमेरिका की टीमें हैं और जो यूरोप की टीमें हैं उनमें एक बुनियादी फर्क ये है कि अर्जेंटाइन हो गया या ब्राजील हो गया वो बहुत ज्यादा वेल स्टैब्लिश्ड नहीं है या उनका सिस्टम इतना मजबूत नहीं जितना यूरोप में इंग्लैंड हो गया या दूसरे मुल्कों में फुटबॉल खेलने वाले, लेकिन ये अर्जेंटाइन और ये ब्राजील वगैरह जो है यहाँ के लोग दिल से खेलते हैं, इनके पैशन है इनका खेलना, तो शायद हमारे रगों में भी जो है पाकिस्तान की आवाम के रगों में जो क्रिकेट है ना वो पैशन के तौर पर दौड़ता है, तो ये टैलेंट इसीलिए पैशन की वजह से उभर के सामने आ जाता है, वरना जिस तरह हमारे जिन जमहूरी अमरीकी मुल्कों का आपने नाम लिया है यार, यहाँ बचपन से बच्चों को यही कराया जाता है और उनके यहाँ से खिलाड़ी उठ जाते हैं। हमारे यहाँ अब क्रिकेट को उस तरह नहीं दिखाया जाता, अब हमारे यहाँ कोचिंग भी सिर्फ पैसे वालों की होती है। सही कह रहे हैं आप, ये अब जो है क्रिकेटर्स अगर टीम में नहीं होते कोचिंग के साथ साथ तो टीवी पर होते हैं और टीवी पर नहीं होते तो कोचिंग के साथ में बोर्ड में होते हैं, तो यही चलता रहता है और एक दूसरे को ब्लेम करती रहती है। यही हॉकी में चल रहा है, हॉकी में जो ओलंपियंस जिन्होंने तबाह कर दिया हॉकी को और सियासी लोगों ने तबाह कर दिया, वो किसी न किसी बात पर जो फेडरेशन में आ जाते हैं, फेडरेशन में नहीं होते तो तनकीद करना शुरू कर देते हैं, तो इसी तरह क्रिकेट में भी हो रहा है। तो अगर ये सिलसिला चलता रहा ना तो सिबलवी साहब बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बस यार चलो फिर अगला मैच किससे है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का जुमे को जनूबी अफ्रीका से मैच है और जनूबी अफ्रीका जो इस तरह क्रिकेट खेल रहा है इस टाइम वो तो उसने इंग्लैंड इंग्लैंड जो क्रिकेट को हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड इस तरह क्रिकेट खेलता है उसने इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया है। वो बहुत तेज और प्यारे मजाक क्रिकेट खेलता है, बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है, तो उम्मीद करते हैं जुम्मे को इंशाल्लाह फिर मैच के बाद आपसे मुलाकात दोबारा होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ठीक है, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज। इस थप्पड़ की गूंज सुनाई देगी जब तक जिंदा रहोगे।